नमस्कार, मैं हूं विशाल कुमार पांडे और आप देख रहे हैं द नेटवर्क। स्वागत है आप सभी का। मेरे द्वारा चलाए गए खबर के प्रतिरोध में आज से लगभग दो हफ्ते पहले चान्हो प्रखंड के बलसोखरा गांव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया गया, जहां पर साबिर खान ने अपना पक्ष रखा। मेरे चलाए हुए खबर के खिलाफ उसने अपना पक्ष रखा, सही बात है, ठीक है। पूरे के पूरे न्यूज में जो पक्ष में जो वीडियो था उसमें उसने कुछ बातें कही जिसका जवाब देना जरूरी है। हालांकि ये जवाब तो मैं उसी दिन दे सकता था, लेकिन मैं किसी कार्य में व्यस्त था, ठीक। ये वो नहीं बोल रहा था, उसका जो दुख पीड़ा जो बौखलाहट है ना, मेरे द्वारा चलाए गए खबर की जो बौखलाहट है, उस खबर से जो उसको पीड़ा महसूस हो रहा है, उसने वो सब बोल रहा था। अब आते हैं बात पर, मुद्दे की बात पर। सिलसिलेवार तरीके से 4-5 पॉइंट रखूंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि हाँ उसने क्या बोला, क्या नहीं बोला, क्या था पूरा मामला। पहला कि क्या तो उसने मुझे 15,000 रुपए दोस्ती के नाते ऐसे ऐसे दे दिया कि मेरा दोस्त है, मैंने दे दिया कि जाओ। ये बात सरासर झूठ है। अगर आप कैमरा पर बोल रहे हो तो आपको साबित भी करना पड़ेगा कि आपने मुझे पैसे दिए हैं। आप साबित कीजिए, आप जो उस समय बोल रहे थे उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत रख देते कि ये देखिए मैंने उसको 15,000 रुपए दिया है, मैं झूठा साबित हो जाता, मामला खत्म, मेरी बेइज्जती हो जाती। दूसरा कि पैसा लेकर के मैंने वो वीडियो हटाया, अगर मैं सच्चा होता तो वो वीडियो नहीं हटा। वो वीडियो क्यों हटा था ये मैं पहले भी बता चुका हूं लोगों को, फिर से बता देता हूं कि वीडियो मैंने इसलिए हटाया था क्योंकि ये मुझसे गिड़गिड़ाकर भीख मांग रहा था कि विशाल भाई प्लीज वीडियो हटा दो यार, बलसोखरा वहां गांव के लोगों का ना मन बढ़ गया है, तुमने जब से वीडियो चलाया है उन लोगों का मन बढ़ गया है। फिर मैंने सोचा यार कि मेरी इससे कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं, मैं खबर करने के लिए गया था। मैंने इसको बोला कि ठीक है, मानव रायन का जो भी जमीन का मसला है उसको सुलझा दो, उसको सुलझाओ, मैं वीडियो हटा देता हूं। मैंने वीडियो हटा दिया, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये चीज मालूम था कि आने वाले समय में ये बात जरूर उठेगी कि वीडियो नहीं है, देखो अगर वो सही रहता तो वीडियो नहीं हटाता, कहां है वीडियो, लगाने क्यों नहीं बोलते हो। वो वीडियो अभी भी मौजूद है तुम्हारी जानकारी के लिए, साबित वीडियो मौजूद है और वीडियो लग जाएगा, फिर आप उसकी चिंता मत कीजिए। आप जिस दिन बोलिएगा उस दिन वो वीडियो लगा दूंगा मैं। तुम आज बोलोगे, तुम्हें ऑप्शन भी मैं तुम्हें ही दे रहा हूं, तुम आज बोलोगे मैं वीडियो आज लगा दूंगा, तुम कल बोलोगे कल लगाऊंगा, परसों नरसों जो भी तारीख तुम दोगे उस तारीख में वो वीडियो मैं लगा दूंगा। तुम गलत नहीं करोगे तो कोई तुम्हारे साथ गलत नहीं करेगा, तुम गलत कर रहे हो तभी ना ऐसा हो रहा है। और फिर एक चीज और बोला, एक अपशब्द था बीच में तो उसको नहीं बोलूंगा, वहां डैश लगा दूंगा, समझिएगा कि तुम मेरे ही डैश के ढक्कन के पीछे क्यों पड़े हो। तो मैंने इसको उस समय जवाब दिया था कि अगर तुम अपने डैश का ढक्कन खुला रखोगे तो मैं क्या, कोई भी पहुंच जाएगा, कोई भी पड़ जाएगा पीछे। उसके बाद जो तीसरा बात है ये कि क्या तो मैंने इसको ब्लैकमेलिंग किया है या धमकी दिया है, रंगदारी मांगा है, धमकी दिया, मैं इसको ब्लैकमेल करता हूं। मुन्ना, जो कोर्ट कचहरी है ना वो सबूत से चलता है, और तुम 7 जन्म में भी, ये मेरा जवाब है तुम्हें कि तुम 7 जन्म में भी कभी साबित नहीं कर पाओगे क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। और तुम इतने बड़े नहीं हो यार कि मैं तुम्हें धमकी दूं, बहुत छोटे हो तुम, अदने से हो। अच्छा, अदना से तो तुम मुझे बोलते हो ना कि छोटा सा यूट्यूबर है। तुम एक बात सोचो, इस छोटे से यूट्यूबर के चलाए गए मात्र 4 खबर से ना तुम्हारी रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि इस यूट्यूबर की बातों में सच है। और जो थाना में एप्लीकेशन दिए हो या कोर्ट कचहरी जो करोगे वो सब सबूत मांगेगा। मुझे सपना तो आता नहीं है कि चलो यार वहां के साबिर खान को के खिलाफ में खबर चलाता हूं, सपना तो आता नहीं है। मेरे पास लोग आए, अपना तथ्य रखे, मैंने वो बात चलाया, जहां तुम अपना पक्ष रखने के लिए चले गए। फिर आते हैं गुद्दे वाली बात पे, तुम कर रहे हो ये वाली बात मुझसे गुद्दा। जब पहली बार आया था तो तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे आंखों के सामने तुमसे बहस करके न्यूज चलाया था। दूसरी बार भी आया तो तुमने गेट वेट सब बंद कर दिया था, फिर भी कुछ नहीं कर पाए तुम, फिर तुम्हारा पक्ष भी रखा, उसके बाद फिर चलाया मैंने खबर। ये चीज तो समझ रहे हो ना, तो गुद्दे की बात तो तुम मत करना। और जब तुमने मुझे फोन किया और बोला कि विशाल भाई जैसे शमशेर का जो पक्ष रखे हो मेरा पक्ष भी रख दो, मैंने तुम्हें क्या बोला कि तुम जब बोलोगे जहां बोलोगे मैं आ जाऊंगा, मैं खबर तुम्हारा पक्ष चलाऊंगा।
लेकिन शायद तुम्हें हिम्मत नहीं थी, या शायद तुम्हारे भाषा में बोल तो गुद्दा नहीं था तुम में कि तुम जो पांच छह पत्रकार को बुला रहे थे मुझे भी बुला लेते। क्या हो जाता, दो चार सवाल ही तो पूछ लेता मैं, और तो कुछ नहीं होता। जगह तुम्हारा था, आदमी तुम्हारा था, लेकिन वहां दबदबा मेरा था, मुझे ऐसा लगा। देखिए मैं आप सभी से बोल रहा हूं जो वहां के लोग हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, अगर आप गलत नहीं है और अगर किसी के साथ भी गलत होता है, कोई खड़ा हो ना हो, चाहे ये करे या कोई और करे, मैं जनरल टर्म में बोल रहा हूं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं खबर चलाऊंगा। अगर कोई आपके साथ जास्ती कर रहा है या कोई कुछ गलत कर रहा है तो आप एकदम बेफिक्र होकर आप मुझे फोन कर सकते हैं, मुझे अपना मसला बता सकते हैं, मसला को समझूंगा, फिर मैं खबर चलाऊंगा। अब रहा बात, तुमने एक चीज और बोला कि जमीन का मुझे कोई नॉलेज नहीं है। सही बात है, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है जमीन का, क्योंकि मैं जमीन दलाली तो करता नहीं हूं, किसी का जमीन तो हड़पता नहीं हूं, तो कहां से होगा ज्यादा नॉलेज। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि किस तरह से दूसरे को जमीन को, दूसरे के जमीन को फर्जी कागज बना करके कब्जा किया जाता है, और ये जग जाहिर बात है। उदाहरण के तौर पर देख लो, जब सेना का जमीन सुरक्षित नहीं रहा तो मानो उरायन तो एक गरीब आदिवासी महिला है, बूढ़ी महिला है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसका जमीन कब्जा करना कोई उतना बड़ा बात तो था नहीं। वो मुझसे इत्तफाकन मिल गई मुख्यमंत्री आवास के पास, तब जाकर के मैंने ये खबर लिया, और उस खबर के सिलसिले में मैंने तुमसे दोस्ती भी की, भरोसा भी दिलाया, सब कुछ करा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मैंने उसकी मदद करने के लिए किया था, क्योंकि मैं अगर किसी का मदद करता हूं, अगर वो सही है, उसकी मदद करता हूं, उसकी समस्या को अगर मैं समझता हूं, तब फिर मैं अच्छे से काम करता हूं। तो जमीन वाला बात मैंने आपको बता दिया, और अभी तक मैंने ऐसा कोई भी खबर नहीं चलाया है तुम्हारे खिलाफ जिसका अपने मन से चला दिया हो, या तब मन भड़ंग कहानी बना के, मनगढ़ंत कहानी जिसको बोलते हैं, वो चला दिया हो, वैसा तो कुछ नहीं है। वहां के लोग आते हैं मेरे पास, मैं चलाता हूं। अंतर देखिएगा, मैं नहीं जाता हूं, उनको मालूम है कि मैं व्यस्त हूं, मैं उनको बोल देता हूं कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा, मैं व्यस्त हूं, उसके बाद भी उतना दूर से ट्रैवल करके मेरे पास आते हैं, उनको मुझ पर यकीन है। अगर जिस हिसाब से वीडियो हटा था जब पहली बार तुम बोल रहे हो, जो हल्ला तुमने किया था कि पत्रकार को मैंने खरीद लिया चौक में, जो हल्ला करवाया था, अगर वो सही होता तो उसके खिलाफ, उसके बाद तो मैं तुम्हारे खिलाफ खबर नहीं चलाता, कहां से चलाता, कहां से चलाता। तो ये सब जो बचकानी बातें हैं कि हाँ ब्लैकमेल करता है, या तुमने मुझे पैसा दिया है, या मैंने तुमसे पैसा मांगा है कभी, साबित करो, साबित करो कि तुमने मुझे 15,000 रुपए दिया है, मैंने तुमसे रंगदारी मांगा है, ब्लैकमेल किया है। तुमने एक बात और बोला था कि क्या तो तुमने मेरे पिताजी को, मैंने तुम्हें कभी फोन करके डराया धमकाया, और तुमने मेरे पिताजी को डर से कि रे रे सर 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 2 लाख या 1 लाख रुपए, 1-2 लाख रुपए तुमने दिया है, ये भी झूठ है। मानहानि का केस तो इस पे होना चाहिए। और तुम्हें एक चीज बताऊं, अभी तक पिताजी को ये बात पता नहीं है, मेरे पापा को अभी तक पता नहीं है। जब बाबा, मेरे प्यार से लोग मुझे बाबा बोलते हैं, जब बाबा अदना सा यूट्यूबर होकर, इतना सा छोटा सा यूट्यूबर होकर तुम्हारे रातों की नींद उड़ा सकता है, तो बस ये सोचो कि अगर मेरे पिताजी को ये बात मालूम चलेगा कि तुम उन पे झूठा इल्जाम लगा रहे हो ना, तब तुम पर क्या कार्रवाई होगा। मैंने आज तक कभी किसी के परिवार को नहीं घसीटा, तुम्हारे परिवार को नहीं घसीटा, ना तुम्हारे मां बाप भाई बहन, किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोला। लेकिन ये अगर पर्सनल अटैक करोगे तो मैं मजबूर हो जाऊंगा तुम्हारे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके बारे में भी न्यूज चलाने के लिए। और यकीन मानो, तुम्हारा इतिहास जान करके तुम जिंदगी भर मुंडी नीचे कर लोगे अगर मैं चला दूं तो। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मर्द वाली बात होती है, कोई क्लास होना चाहिए। एक नियम है कि अगर आप पर्सनल दुश्मनी भी करते हैं तो घर परिवार को बीच में नहीं लाते हैं, उसके लिए तुम माफी मांगो, नहीं तो फिर तुम जो केस कर रहे हो करो, मैं फर्जी केस करने के जुर्म में तुम पर यह करूंगा, उसके बाद मानहानि करवाऊंगा, अभी नहीं, पहले तुम्हें मौका है। तुम्हें क्या लगता है कि कोर्ट कचहरी प्रशासन वकील ऐसे ही मतलब तुम कुछ भी बोलोगे और अड़ंग बड़ंग और लिखा करके हो जाएगा, सबूत दोगे ना जी, तुम्हारे वकील साहब भी सबूत मांगेंगे ना। और चलो अगर मान लो केस ले भी देते हैं तो मैं सिर्फ तुम पर नहीं ना आऊंगा, तुम पर केस नहीं करूंगा, मैं उस वकील पर भी केस करूंगा कि ऐसा ऐसा फर्जी केस उठा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उनका भी लाइसेंस, उन पर भी सवाल हो लाइसेंस पे। और रही बात, देखो अगर तुम गलत नहीं हो तो निश्चिंत रहो यार, तो मुझे गलत साबित कर दो कि हाँ मैंने तुमसे 5 लाख का रंगदारी मांगा है,
तुम बोले हो ना इतना, कर दो, साबित कर दो, मैं तुमसे सार्वजनिक मंच पे माफी मांगूंगा और मुझे जेल भी करवा देना, चलेगा इतना? नहीं तो अच्छा एक चीज और यार, तुम बोलते हो मैं तुम्हारी छवि खराब करता हूं, यकीन मानो मैंने सिर्फ 2 जगह फोन घुमाया और मुझे तुम्हें तुम्हारे ना दर्जनों केस मिल गए। तुम बोलते हो ना कि हाँ जब कोई वैसा मसला नहीं है, दंगा भड़काने का केस, और उसके बाद मैं चौंक गया गौ तस्करी का केस, इस खबर पे तो मैं लगा हुआ हूं, इस खबर पे भी लगा हुआ हूं कि क्या है। और जो भी लोग आज तक तुम्हारे गलत कार्यों में मदद करते आए हैं, मेरी उनसे भी अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि आप गलत का साथ मत दीजिए। अगर आज से भी आप छोड़ते हैं तो यकीन मानिए सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर आप इसका गलत में लालच में और अगर आप सहयोग कीजिएगा तो आप सभी को नुकसान है। सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं, अब एक पल था जब मैं अकेला था, लेकिन अब सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनके पास तुम्हारे खिलाफ सबूत गया हुआ है, और सारे के सारे लोग जो है वो सहयोग में लगे हुए हैं। उन पत्रकारों के खिलाफ भी जाएगा जो मैनेज करवाने की कोशिश कर रहे थे, और जितने सारे हैं ये गिरोह अदने से या बड़े बड़े जो महान महान पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, ये सब जो हैं जो अभी गैंग वैंग में चलते हैं, उन लोगों के खिलाफ भी जाएगा। अभी तक तो नहीं, क्योंकि एक मर्यादा होती है हर चीज का, तो मैं उस मर्यादा में हूं। कानूनी लड़ाई लड़ूंगा मैं तुमसे, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार हूं, आप लड़ो, मैं पीठ पीछे वार नहीं करता, गैर कानूनी हरकतें मेरी नहीं होती है। आप आइए कानूनी तरीके से अपनी बात को रखिए, मैं भी रखता हूं। नमस्कार।